आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली से ये खबर है जहां पर एक लड़की अर्धनग्न हालत में मिली है। ये लड़की मोतीबाग फुटओवर ब्रिज के पास मिली है अर्धनग्न हालत में। उस लड़की का मिलना वहां पर ये दर्शाता है और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ रेप की गई है। लड़की ने 3 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप उस लड़की की ओर से लगाया गया है। पुलिस उस लड़की को लेकर थाने लेकर गई है। नेपाल की रहने वाली ये लड़की बताई जा रही है। फिलहाल उस लड़की से पूछताछ लगातार जारी है। 3 लोगों के ऊपर गैंगरेप का आरोप इस लड़की की ओर से लगाया गया है। रजनीश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। रजनीश, लड़की अभी कहाँ है और उसकी ओर से और किस तरह की जानकारी दी गई है पुलिस को? चित्रा, सुबह करीब 7:30 बजे ये लड़की मोतीबाग फुटओवर ब्रिज के नीचे थी। ये लड़की अर्धनग्न अवस्था में थी। खास बात ये है कि चित्रा की ये लड़की इतनी बेहोशी की हालत में थी कि ये बोल नहीं पा रही थी। इसने जो सड़क पे पड़े ईंट के टुकड़े से जो है सड़क पे लिख के बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस आई है, साउथ कैंपस थाने की पुलिस आई है और इस लड़की को ले गई है। इस समय इस लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। फिर लड़की का ये आरोप है कि 3 लड़कों ने उसके साथ जो है नशीला जो पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया रात को और उसके बाद वो फरार हो गए। हालांकि अभी मेडिकल लड़की का चल रहा है। मेडिकल में अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन लड़की का यही आरोप है कि उसके साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप किया है। फिलहाल मेडिकल चल रहा है और मेडिकल के बाद ये साफ हो जाएगा कि लड़की के साथ रेप गैंगरेप हुआ है या रेप हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। नेपाल की रहने वाली लड़की बताई जा रही है, फिलहाल वो थाने में मौजूद है और उसका मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही शायद पुलिस और ज्यादा कुछ बता पाने की स्थिति में होगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।